क्या लगता है राहुल, तुम इस प्रतियोगिता को जीत जाओगे? बिल्कुल मोदी जी, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मैं ही जीतूंगा। मेरी गाय पूरे 30 लीटर दूध देती है और इस अखिलेश की गाय सिर्फ 25 लीटर, तो हम दोनों का मुकाबला ही क्या? ये तो बेफालतू में प्रतियोगिता करवा रहा है। वो जमाने गए राहुल जो मेरी गाय 25 लीटर दूध दिया करती थी, इस टाइम मेरी गाय 35 लीटर दूध दे रही है, अभी पता चल जाएगा। डिंपल जल्दी जल्दी से दूध निकालो गाय का। अखिलेश, मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तुम्हारी गाय 25 लीटर दूध देगी अभी सामने पता चल जाएगा, इसीलिए तो मैंने मोदी जी को बुलाया यहाँ पर। मोदी जी फैसला करेंगे इस बात का, अभी सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मम्मी जी आज बहुत सही से निकालो दूध गाय का। अरे निकाल तो रही हूँ बेटा राहुल, तू तो बेफालतू में गदर मचाता है। एक तो मुझे इस गाय के मारने से बहुत डर लगता है। अरे डरती क्यों हूँ, मैं इसके पास बैठा हूँ आराम से, नहीं मारेगी ये, मैं पास में बैठा हूँ इसके। तुम निकालो दूध को। पता नहीं आज क्या हो गया, गाय सही तरीके से दूध दे ही नहीं रही है। डिंपल ज्यादा बातें मत बनाओ, आज इज्जत बेइज्जती का सवाल है, सही तरीके से दूध निकालो गाय का। अखिलेश बुरा मत मानना, मुझे ये लगता है तुम हार जाओगे, क्योंकि डिंपल और सोनिया जी ने एक साथ दूध निकालना चालू किया था और मैं अभी तक देख पा रहा हूँ कि राहुल की गाय ने ज्यादा दूध दिया है। अरे मोदी जी देखते रहो, अभी से परिणाम पर क्यों पहुंच रहे हो। मेरी गाय शुरू शुरू में दूध कम देती है, फिर आखिर में बहुत दूध देती है, यही मेरी गाय की खासियत है। क्यों डिंपल? मैं बार बार आपसे कह रही हूँ लेकिन आप मेरी बात को मान ही नहीं रहे। कैसे, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो डिंपल तुम? लगता है आज गाय सबके सामने दूध दे ही नहीं रही है। अखिलेश अब तो हार मान लो, मैं कहता हूँ अब तो हार मान लो, तुम्हारी गाय का दूध कम है राहुल की गाय के सामने। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। डिंपल बिल्कुल सही कह रही है, मेरी गाय सबके सामने दूध दे नहीं रही है। ऐसा है सब लोग इसके सामने से हट जाओ, फिर ये दूध देगी। ये बहाना नहीं चलेगा अखिलेश, प्रतियोगिता सबके सामने होती है समझे। राहुल की गाय क्यों दूध दे रही है सबके सामने? भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।